कैसी लगी प्रोग्रामिंग मुझे बताएगा जरूर। यहाँ मैंने कम्प्लीटली 830 सेट की MMC निकाल कर एक UFI से प्रोग्रामिंग करके दिखाई है, ताकि आप अगर कोई डेड बोर्ड रिपेयर आए आपको ये प्रोग्रामिंग बन जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कम्प्लीट स्टेप बताएं प्रोग्रामिंग के, IC निकालने से UFI में कनेक्ट करने तक, और इवन UFI में कनेक्ट करने के बाद में कौन कौन सा स्टेप प्रोग्रामिंग में जरूरत होता है, और यहाँ तक कि हमने इसकी सिक्योरिटी भी हमने साथ में ली थी। तो हम मैं आपको वीडियो में भी दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा डाउनलोड बार है वो चालू हो गया है। तो ये जो मान लीजिए आपके पास में डंप नहीं है, आपको डाउनलोड मोड पे लाना चाहते हो, तो ये जो टेक्निक है ये हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ला सकते हैं बिना डंप के। आपके पास अगर डंप नहीं है, आप अगर डाउनलोड मोड पे लाना चाहते हैं, क्योंकि डंप से क्या है आपका फ़ोन डाउनलोड मोड पे आएगा, क्योंकि इसके अंदर boot 1 boot 2 की फाइल है। पर अगर आपके पास डंप नहीं है और अगर आप डाउनलोड मोड पे लाना चाहते हो तो भी आपका फ़ोन आपका डाउनलोड मोड पे आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा क्योंकि मेरी GPT पार्टीशन बन गया दोस्तों, मेन काम मेरा GPT पार्टीशन का है, तो ये टेबल नहीं होगा तो फ्लैश भी नहीं होगा फ़ोन। अब ठीक है, तो हेल्थ भी इसकी सही है। सो अगर आप डेड बूट रिपेयर में फंस रहे हैं तो आपको आप प्रोसीजर समझ के होंगे आए हो दोस्तों। मोबाइल रिपेयरिंग अगर आपको सीखनी है तो आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करो। हमें मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आज थंबनेल तो आपने देखा होगा, आइए सीखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सैमसंग की। सो हम एक बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखेंगे सैमसंग की। ये फ़ोन हमारे पास है A30 सैमसंग का, और ये फ़ोन लोगो पर है, और हम इसको प्रोग्रामिंग से इसको हम ओके करेंगे, नॉर्मल फ्लैशिंग से नहीं, प्रोग्रामिंग से। तो बकायदा हम इसकी MMC को निकालेंगे और UFI में लगाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे जैसे की जाती है। मान लीजिए डेड बूट रिपेयर अगर आपके पास आए, या आपके पास जैसे कोई गलत फाइल डाल देता है, कोई एरर वेरर, तो आप उसको कैसे प्रोग्राम करेंगे, तो आप इस वीडियो से ज़रूर सीखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, और आपको लगता है कि आपको और बेहतर सीखना है और इससे भी और एडवांस, तो आप हमारे एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन कीजिए और MMC का कोर्स ज्वाइन कीजिए, जहां हमारे मिलन सर आपको मिलेंगे, जो आपको बहुत लेटेस्ट एडवांस टेक्निक के साथ ये सारी चीज़ सिखाएंगे, और हो सकता है जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ उससे भी एडवांस टेक्निक वो आपको सिखाएं, जिसमें और अच्छे से और क्लियर से आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिकल समझेंगे। यहाँ तो आप मुझे एक वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी है मैं कर रहा हूँ, क्लास में आएंगे तो वहाँ आप करेंगे अपने हाथ से। दोस्तों मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ ये वीडियो देखने से पहले, कि हम सैमसंग A30 की एक MMC प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं और इसको हम ऑन करेंगे। पर दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो आप जो घर बैठ के देख रहे हैं, हो सकता है आप उसको ट्राई भी करें, पर हो सकता है 100 में से 10 लोगों से बन भी जाए, पर 90 लोग जो नहीं बन पाए हैं, तो आप समझ जाओ कि ऑनलाइन देख कर कोई भी काम नहीं किया जा सकते हैं, आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो। हाँ, आप नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हमें क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में, जो पूछना पड़ता है आपको क्लास में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई सवाल नहीं आते, पर हमारे बगल के जो बैठे स्टूडेंट है उसके पास कोई सवाल होते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता है। ऑफलाइन पढ़ने में बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों, ऑफलाइन आइए, ये ऑनलाइन का कोर्स नहीं है, फिर भी सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, बट दोस्तों ये तब तक आपसे नहीं बनेगा जब तक आप अपने हाथों से खुद ना करें। सो आइए मैं पहले आप इसको बता देता हूँ, इस फोन को तो देखिए ये जो फोन है ये आप देख सकते हैं, ये लोगो पर है,
ये देखिए। तो दोस्तों ये जो फोन है ये लोगो पर है, तो हम इस फोन को, ये ऐसा ही आपको दिखता रहेगा, और हम इस फोन को MMC प्रोग्रामिंग से हम इसको बनाएंगे। आप देख रहे हैं देवेंद्र अग्रवाल, इस टेलीकॉम ऑफिशियल चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नहीं है, मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं हर एक चीज़ जानता हूँ, बट मेरा काम है हार्डवेयर को समझाना। मैं अपनी क्लास में हार्डवेयर पढ़ाता हूँ और मैं आपको हार्डवेयर बोध का नज़रिया देखने का बदलवाऊँगा। सॉफ्टवेयर पढ़ाने का काम हमारे यहाँ दुर्गेश सर का है, और MMC पढ़ाने का काम हमारे मिलन सर का है। तो आप जब आएंगे तो आपको मिलन सर मिलेंगे और वो बेहतर तरीके से आपको इसको और डीपली में समझाएंगे, और हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी सेटअप लाएं आप अपने हाथों से बनाएं। तो चलिए आ जाते हैं हम, सबसे पहले हम इसकी MMC को टाल लेते हैं। यहाँ मुझे MMC चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको प्रोग्रामिंग करके लगाऊंगा। देखिए ये फोन एक लोगो पे था, और ये फोन में लोगो वाले हर सेट टेक्नीशियंस रिबॉल करते हैं CPU। इसका भी CPU रिबॉल हुआ है, बट ये उसके बाद भी लोगो पे रहा सेट। तो फिर ये सॉफ्टवेयर का मसला हो गया है, तो हम इसलिए इसको समझाने के लिए हमने सोचा कि प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए बनाया जाए। पत्रा खोल लिया है, और हम इसकी MMC को चेंज करना भी मैं आपको बताऊंगा आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल रीप्रोग्राम, तो ये सैमसंग की लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये इसका नंबर है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि मैंने यही MMC को वापस लगाया है। देखिए तो नंबर है B041, और नीचे का नंबर आप देख सकते हैं। तो पहले इसकी MMC को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये BGA 153 लगी है इसमें, और इसमें जो आपको पैड दिखाई दे रहे हैं वो सारे हैं NC हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो रैम होती है ये सिर्फ MMC है, EMCP नहीं है। इसके अंदर जो रैम है वो CPU के ऊपर लगा के रखी है इन्होंने, इसलिए इसके बाकी इसमें केवल MMC के पॉइंट होते हैं, जैसे डाटा क्लॉक कमांड और आपकी डाटा के जो बाकी के पैड होते हैं, या मैं बात करूं VCC VCC Q। खास तौर पे MMC और CPU के पास में आपने ना कंपोनेंट ध्यान रखना है, कंपोनेंट नहीं निकलना चाहिए आपके, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं जो इंटरकनेक्टेड लाइनों के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये बहुत मेन लाइनें होती हैं। आप देख सकते हैं हमने निकाल ली है, और हल्का हल्का जो वाइट ग्लू है वो दिखता नहीं है नॉर्मली, तो उसको हम थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो भी निकाल लेते हैं। होता है कि अगर ये ग्लू क्लियर नहीं होगा तो IC आपकी अच्छे से बैठेगी नहीं, जो हम वन टच प्रोसीजर करते हैं वो होगा नहीं। अब इसमें देखा जाए तो पैड बहुत सारे बच गए हैं,
तो इसमें भी बहुत से पैड हैं जो एनसी हैं जो बच गए हैं, पर इसमें जो मेन पैड हैं वो ही आपकी ईएमसी को कनेक्ट करते हैं। तो अब ये आपकी ईएमसी है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अब प्रोग्रामिंग स्टेप टू स्टेप करता हूँ, और दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसको आपको लगेगा सर ये क्या है वो क्या, तो मैंने कहा कि सब कुछ अगर एक वीडियो या एक घंटे के अंदर सीखा जा सकता है तो इस कोर्स की इतनी वैल्यू कभी नहीं होती, ना आपके काम की ना हमारे काम की। तो वैल्यू है, स्किल है, नॉलेज है, तो ही तो इतनी नॉलेज है, स्किल है, तो ही तो इतनी वैल्यू है। तो वैल्यूबल चीज़ों को हमेशा वैल्यू दो, उसको एक जंपर के जैसे मत करो, ज़िंदगी जंपर बन जाएगी नहीं तो कभी भी खुल जाएगा। अब इस ईएमसी को हमने जो आप देख सकते हैं ये हमने रिवॉल्व कर लिया है, अब हम इसको यूएफआई में लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे और इसकी प्रोग्रामिंग करके लगाएंगे और सेट को फ्लैश करेंगे, डाउनलोड मोड पे लाएंगे सेट, क्योंकि सबसे पहले सेट को डाउनलोड मोड पे लाना है अगर इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हमने कनेक्ट कर लिया अपना यूएफआई, आप देख सकते हैं, मैं यूएफआई को ओपन कर लेता हूं। और अब हम अपना कनेक्टर ले आते हैं, तो ये हमारा बॉक्स, ये हमने परचेज किया ZX मलिक से, आपको लिंक दिखाई दे रही होगी उनके, आप उनसे खरीद सकते हैं। IC को लगा देते हैं इसके अंदर, VGA 153। और इसको लगा देते हैं बॉक्स में। तो सब डन हो चुका है, तो अपनी स्क्रीन को कर देते हैं, एक बार कनेक्ट कर लेता हूं कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो हमारा आईसी हमने लगा दिया है वापस और ये हमारा कनेक्ट हो गया है। तो अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर देता हूं। पिछली बार मैंने बताया था कि स्क्रीन रिकॉर्डर किसी कारण रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी UEFI की। तो देखिए मैं फिर से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, आइडेंटिफाई किया और ये देखते हैं कि इसके अंदर फर्मवेयर क्या डली है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैमसंग है, मॉडल है A3005F। तो और इसमें एंड्रॉयड अभी ये वर्जन डला हुआ है और ये इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन है और बहुत सारी चीज़ जैसे मैंने बताया, ये CCHD का वर्जन, MMC वर्जन और कितने GB का ये आपका MMC है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में मिलन सर बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग समझानी है। मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ कि सपोज़ अगर आपका डैट बूट रिपेयर आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डंप बनाएंगे, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 512 MB का डंप ले लूँगा और बूट वन बूट टू RPM बूट वन बूट टू CCHD और यूजर एरिया मैं इसको रीड कर लूंगा। तो देखिए, तो अब मेरा यूजर एरिया रीड हो रहा है। तो पहले आपको डंप बनाना बहुत जरूरी होता है सैमसंग में, नहीं तो आप डाउनलोड मोड पे लाएंगे ही नहीं, ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डाउनलोड मोड पे लाने के लिए डंप की बहुत जरूरत होती है। तो मेरा डंप रीड हो गया है जल्दी, 13 MB/s मुझे स्पीड मिल गई, इसमें काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो देखिए ये डन हो चुका है और ये मेरा यहाँ पर मैं सैमसंग में ये देखिए, तो ये मैंने अपना डंप को रीड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो बूट वन बूट टू ESC CHD और यूजर एरिया मतलब मेरा यहाँ पर मिल गया है। अब मैं बात करूं तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले यूजर पार्ट में जाकर इसका जो सिक्योरिटी फाइल है वो निकाल लेता हूं और देखो फिर उसका हमें ये टेबल बनानी है। तो इसको रीड कर लेते हैं। तो हमने इसकी सिक्योरिटी पार्टीशन जो है, जैसे IMEI और बेस बैंड हमें चाहिए, तो हमने उसको भी रीड कर लिया है, हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर पार्ट में ये आ गया सारा डाटा। अब हम इसको यहां से फैक्ट्री रिसेट करेंगे। एरेस कर देंगे और इसका नैंड टेस्ट कर लेंगे। और हेल्थ चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हेल्थ भी इसकी सही है। सो अगर आप डेड बूट रिपेयर में फंस रहे हैं तो आपको आप प्रोसीजर समझ गए होंगे, आए हो इससे ज्यादा समझना है तो मैंने कहा क्लास में आइए, प्रैक्टिकल कीजिए खुद। अब इसको मैं आइडेंटिफाई करता हूं यहां पर, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है, देखिए। और यहां पे लिखा हुआ है बूट कॉन्फ़िगरेशन 00, इसका मतलब है कोई बूट नहीं है इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर वापस डंप डालेंगे
तो देखिए ये हमारा डंप आ गया इसमें जो हमने लिया था। ये डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ से उठा के एक एक फाइल, या यहाँ पर डबल टिक कर से यहाँ से भी फाइल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो हमारा पाथ है, जो पाथ होता है फाइल का, वो फाइल का पाथ वो ये उठा लेता है। तो अब मैं इसको राइट करूँगा और ESC/CSD राइट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डंप राइट हो रहा है। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग अगर आपको सीखनी है तो आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करो। हमें यहाँ पर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम गारंटी देंगे, पैसा वसूल, आप 3 दिन में फ़ीस वापस कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें इतना अपने पर तो भरोसा है कि हमें फ़ीस वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उल्टा हमको अपनी जेब से, और होता ना जो खुशी से जो हम देते ना, घर वाले जाते हैं तो 500 का दे दिया 100 का, वो दे के जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि आपने जो सीखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जब एशिया टेलीकॉम आओगे, क्योंकि आप ऐसे लोगों के सीख रहे हो जो काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, और जिन्होंने ऐसे लोगों को पढ़ा है जो काफ़ी जो पढ़कर जो दूसरी जगह पर इंस्टीट्यूट खोलकर औरों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा डंप बन गया है, हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, ठीक है। अब हम यूज़र पार्ट में जाएंगे, तो ये हमारा टेबल भी इसमें बना हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हो। तो ये जो मान लीजिए आपके पास में डंप नहीं है, आपको डाउनलोड मोड पे लाना चाहते हो, तो ये जो टेक्निक है ये हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ला सकते हैं बिना डंप के। आपके पास अगर डंप नहीं है, आप अगर डाउनलोड मोड पे लाना चाहते हो, क्योंकि डंप से क्या है आपका फ़ोन डाउनलोड मोड पे आएगा, क्योंकि इसके अंदर boot 1 boot 2 की फाइल है। पर अगर आपके पास डंप नहीं है और अगर आप डाउनलोड मोड पे लाना चाहते हो, तो भी आपका फ़ोन आपका डाउनलोड मोड पे आएगा, और ये टेक्निक हम आपको क्लास में सिखाएंगे। अभी तो बेसिक प्रोग्रामिंग आप समझ रहे हैं। तो अब हमारा यहाँ पर IC कम्प्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं IC लगाऊँ तो मेरा ये डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। यहाँ पर आपके पास में सर जैसे डैड बूट रिपेयर है, अगर फाइल अगर आपके MMC डिटेक्ट हो रहा है, डंप निकल रहा है, तो आपके लिए जैसे ही प्रोसीजर है सेम है। पर अगर आपका MMC डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है और आपका MMC चेंज करना पड़े, तो अगर आपका डंप ना हो या डिटेक्ट हो रहा है पर डंप नहीं बन रहा हो, या डंप रीड नहीं हो रहा हो, या कोई सा भी जो एक एरर्स आ सकता है, तो बिना डंप के भी आप अपना फ़ोन को डाउनलोड मोड पर ला सकते हैं। वो जो टेक्निक है कि कौन सी फाइल से राइट करना है, वो आपको हम एशिया टेलीकॉम में समझाएंगे मिलन सर की क्लास में। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिक्योरिटी फाइल जो ली है मैंने उसको डाल देता हूँ, ठीक है। मैं वापस वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। देखिए वापस वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा, क्योंकि मेरी GPT पार्टीशन बन गया दोस्तों, मेन काम मेरा GPT पार्टीशन का है, तो ये टेबल नहीं होगा तो फ्लैश भी नहीं होगा फोन। अब तो देखिए मेरा सारा जो पार्टीशन है, जो मैंने सिक्योरिटी फाइल बनाया था, वो सारा ले लिया है मैंने, आप देख सकते हैं सब पे टिक लग गया है। अब मैं इसको राइट कर देता हूँ। ये मैंने कैसे लिया, ये मेरा ऑलरेडी फाइल शो हो रहा था, मैंने सब इसको टिक किया। मैं चाहता तो यहाँ पर डबल टिक करके यहाँ से सिंगल सिंगल फाइल भी सिलेक्ट कर सकता था, जैसे ये जो फाइल है ये EFS का फाइल है, तो ऐसा डबल टिक करके कर भी सकता था, बट ऑलरेडी टिक हो चुका है तो मुझे ये टिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से राइट पर टिक कर दूँगा, तो अब ये मेरा फाइल राइट हो रहा है। और दोस्तों अगर ये मैं नहीं करता तो मेरा फ़ोन चालू तो होता पर कोई काम का नहीं होता, क्योंकि मैं इसको IMEI नहीं, बेसबैंड नहीं, तो फिर आप फ़ोन लगाते कैसे उसको जब लगता ही नहीं। तो ये आपका हो चुका है डन। अब मैं इसको एक बार लास्ट आइडेंटिफाई कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर और ये भी मेरा चढ़ गया है। चलिए दोस्तों अब इसको बंद करते हैं बंद, और अपने MMC को लगाते हैं और सेट को डाउनलोड मोड पे लाकर इसको फ्लैश करते हैं ओडिन से।
तो अब मेरा आईसी का काम हो चुका है और ये जो आईसी है इसको मैं लगा देता हूँ हमारे सेट में। देखिए करो दबाओ, हाथ हटाओ अपना, ये वाला दबाओ, एक मिनट, पहला और आखिरी, ठीक है, दबाए रखना, दबाए रखना, दबाए रखना, हाँ ओके ओके। तो दोस्तों हमारा सेट डाउनलोड मोड पर आ चुका है, आप जैसे देख सकते हैं। तो हमने डाउनलोड मोड पे लाने के लिए सेट तो मैंने अपनी वाइफ का थोड़ा सा यूज़ मैंने बुलाया उनको, मैंने बोला भैया इसको दबाओ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मुझे पावर की और वॉल्यूम डाउन दबाना है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा यूएसबी केबल से, तो अब मैं वापस स्क्रीन को एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूं। अब हम ओडिंग ओपन करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों हमारा फोन आ गया है डाउनलोडिंग मोड पर, हमने अपनी रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी है। अब हम इसमें फाइल डाल देते हैं, तो इसमें हमारी जो फर्मवेयर है वो हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक प्रोग्रामिंग का है, एक सॉफ्ट, एक जिसको हम बोलते हैं हार्ड लेवल प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने मिमसी निकाल के हार्डवेयर का भी यूज़ किया है और निकाल के उसको प्रोग्राम किया है। और यहाँ हमने डम का यूज़ किया है दोस्तों, ए बी की फाइल डालते समय थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मेन सिस्टम फाइल उसी में होती है आपकी।
अब सीपी की फाइल डालेंगे। और सीएसई और अब इसको दोस्तों हम करेंगे फ्लैश स्टार्ट। तो हमारा फ्लैशिंग चालू हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो में भी दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा डाउनलोड बार है वो चालू हो गया है। तो मैं आपको एक पूरी डिटेल बता देता हूँ कि मैंने किया क्या है। दोस्तों ये एक मैंने कोशिश की है आपको एक प्रोग्रामिंग समझाने की, कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार अगर हाथ से कर लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगी। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या 10 इंस्टीट्यूट भागने की ज़रूरत नहीं है, ईमानदारी के साथ एक बार हमारे पास आ जाइए, हम आपको प्रैक्टिकल करवा देंगे। आप ऑनलाइन में आप हमें देखकर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलती आपसे हो रही है, या आप हमसे पूछ भी नहीं सकते ना, और ऑनलाइन में तो हम सपोर्ट भी नहीं करते, और ऑनलाइन में सपोर्ट कर भी लेंगे ना तो आप गलतियाँ करते रहेंगे कहीं ना कहीं, और फिर बाद में ले दे के आना एक इंस्टीट्यूट पड़ेगा। तो ऑलरेडी पैसे क्यों ख़राब कर रहे हैं, उस पैसों से टूल परचेस कीजिए, माइक्रोस्कोप लीजिए, यूएफआई लीजिए, और भी जो ले सकते हैं वो चीज़ लीजिए। बट दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप एमएमसी सीखना चाहते हैं, हार्डवेयर सीखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो कम्प्लीटली हमारे पास आइए और इतना सक्षम हो जाइए कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया है सॉफ्टवेयर, एक सैमसंग फ़ोन की डैड बूट रिपेयर प्रोग्रामिंग, जिसमें अगर आपके पास फ़ोन आए और एक डैड बूट रिपेयर में आए कि वो ना पोर्ट बना रहा है, ना वो किसी प्रकार की हलचल कर रहा है, बट डीसी मशीन की रीडिंग को समझें तो और ये समझें कि वो एमएमसी का फॉल्ट है, और आप एमएमसी निकालते हैं और अगर तो यहाँ पे उसको कैसे प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हम उसको फ्लैश डाउन फ्लैशिंग तो कर नहीं पा रहे क्योंकि डाउनलोड मोड पे आ नहीं रह पा रहा है। सो हमें सेट को डाउनलोड मोड पे फिर से लाना है ताकि हम उसको फ्लैश फाइल देकर उसको चालू कर सकें विद सिक्योरिटी फाइल। और अगर आपके पास में एक ऐसा सेट आया जो रीड भी नहीं हो रहा है, जिसमें डंप भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमने इस जो पूरा प्रोसेस है वो डंप के साथ किया है, पर अगर आपके पास में डंप नहीं है तो आप कैसे चालू करेंगे, तो ये तरीका हम आपको सिखाएंगे इस टेलीकॉम में, जो आपके जिसमें आपके जो टीचर होंगे वो होंगे हमारी तरफ से मिलन सर, जो आपको सिखाएंगे ए टू जेड एमएमसी के बारे में। और प्रैक्टिकल जो होगा मैं करवाऊंगा बिठा कर आपके हाथों से, और हमारी टीम इससे टेलीकॉम की आज ही कॉल लगाइए और अपना एडमिशन बुक कराइए इसी बैच के लिए। सो यहाँ पे हमारा सेट ओके हो चुका है, तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं। तो ये सेट मेरा एक बार पूरा कंप्लीट यहाँ से मैं ऑन होने देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने यहाँ की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर को चालू ही नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं, ये तो आप सामने ही देख रहे हैं जो हमारे फ्लैशिंग हो रहा है। खैर तो यही होता है, नए नए टूल यूज करो तो दिमाग में है ना। तो आप देख सकते हैं हमारा सेट फैक्ट्रीज रिसेट, ये देखिए। सो आप देख सकते हैं हमारा सेट ऑन होने की कगार पे। देखिए दोस्तों हमारे पास सेकंड लोगो आ गया। सो हमारे फोन का सेकंड लोगो आ गया, आप देख सकते हैं।
तो देखिए फाइनली हमारा सेट ऑन हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो जो प्रोग्रामिंग थी वो कम्प्लीटली तरीके से डन हो चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोनों IMEI यहाँ पे शो भी हो रहे हैं, मतलब इसका हमने जो बैकअप लिया था वो भी बिल्कुल सही है। और मैं आपको ये बोर्ड भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देखिए सेम MMC यहाँ हमने जहाँ इसका उतारा था आप ये नंबर भी देख सकते हैं 2041 और ये नंबर जो हमारे इस सेट का है और ये हमारे जिनका सेट था उनकी स्लिप। तो दोस्तों कैसी लगी प्रोग्रामिंग मुझे बताएगा जरूर। यहाँ मैंने कम्प्लीटली 830 सेट की MMC निकाल कर एक UFI से प्रोग्रामिंग करके दिखाई है ताकि आप अगर कोई डेड बोर्ड रिपेयर आया आपको ये प्रोग्रामिंग बन जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कम्प्लीट स्टेप बताए प्रोग्रामिंग के, IC निकालने से UFI में कनेक्ट करने तक, और इवन UFI में कनेक्ट करने के बाद में कौन कौन सा स्टेप प्रोग्रामिंग में जरूरत होता है, और यहाँ तक कि हमने इसकी सिक्योरिटी भी हमने साथ में ली थी। तो हमारे को सिक्योरिटी में यहाँ पे EMI आप देख सकते हैं, सो हमने यहाँ तक भी इसकी सिक्योरिटी भी साथ में ली थी। तो सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं इसका IMEI नंबर भी आपको शो हो रहा है। तो ये पूरा एक वीडियो एक कंप्लीट तौर पे प्रोग्रामिंग का कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अगर आपको सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इससे और बेहतर और सरल और अगर बिना डम के और बहुत कुछ, सिर्फ बात डम की नहीं है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करो एजर टेलीकॉम बिना डर के, और लाइव देखो फिजिक में लाइव क्लासेस और क्या है इससे अलावा, और क्या बड़ी बात बोल लूँ मैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और अगर आपसे पास ये कोई सेट है और नहीं बन पा रहे हैं तो सिर्फ डीलर लोगों के लिए तो आप हमारे पास भेज सकते हैं, पर तब जब आप इसका नॉलेज नहीं रखते हैं। अगर आप इसका नॉलेज रखते हैं तो मेरे भाई सीखिए और बनाइए। थैंक यू वेरी मच।